आज हम बनाएंगे मसालेदार छोले। छोले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी छोले लिए हैं और 3 कटोरी पानी। इसमें हम आधे चम्मच चाय, एक तेज पत्ता, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और 2 बड़ी इलायची। सभी मसालों की हम इस तरह से एक पोटली सी बना लेंगे। इसमें हम आधा चम्मच खाने वाला सोडा, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 5-6 सीटी लगा देंगे और 5-6 सीटी हम मीडियम आंच पर लगवा लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच रिफाइंड गरम कर लिया है और इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाला है। ये हमारा जीरा भुन गया है। इसमें हम यहाँ पर प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं, 6-7 लहसुन की कलियाँ, 1 अदरक का टुकड़ा और सभी को मिक्सिंग में बारीक पीस लिया है। मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे। जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा उतने अच्छे हमारे छोले बनेंगे। इसमें हम सूखे हुए मसाले डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, यहाँ पर मैंने छोटी चम्मच ली है, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 2 मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला भुन गया है। इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 बड़े टमाटर मिक्सी में बारीक पीस लिए हैं। मसालों को हम लगातार चलाते रहेंगे। इसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे। कस्तूरी मेथी को आप तवे पर थोड़ा सा सेक कर और जब हाथों से बारीक करके डालें। 1 चुटकी हींग डालेंगे, 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है। ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। इसमें हम उबले हुए छोले डालेंगे और जो हमारी पोटली थी उसे अलग निकाल कर रख देंगे। 5-6 मिनट तक हम तेज आंच पर इस तरह से छोले को चलाते रहेंगे जिससे कि हमारे छोले मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये हमारे कितने अच्छे छोले बने हैं। अगर आपको मेरी है छोलों की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल हेल्थी इंडिया को सब्सक्राइब करें।